हेलो सेंस, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर हो गए। तो आज के इस वीडियो को आप इसे पूरा देखें ताकि आपको बेहतर जानकारी आपको मिल सके। तो आज हम लोग आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 19 के प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे जो कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बेसिस पे है। तो इस एक्सरसाइज 19 में जो प्रॉब्लम्स आप देखोगे वो सब के सब एस सी एफ के बेसिस पे हैं, बट एस सी एफ निकालने का तरीका जो है वो अलग अलग है। तो पहले हम लोग डिस्कस ये कर सकते हैं कि भाई एच सी एफ होता क्या है। ठीक है, एच सी एफ तो एच सी एफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ी वैल्यू जो दिए गए दो या दो से ज्यादा नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो नंबर जो है क्या कहलाएगा, एच सी एफ कहलाएगा। और इस एच सी एफ को हम दूसरे नाम से भी हम जान सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेंस वही रहेगा। कहीं पर अगर आपको जी सी एफ दिखाई दे तो जी सी एफ का सेंस वही है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या कहीं आपको जीसीडी दिखाई देगा तो इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। लेकिन इन तीनों का सेंस मतलब क्या है, अलग अलग नहीं है, सेंस इसका एक ही है। अब हम लोग देखेंगे कि एस सी एफ निकालेंगे कैसे। तो पहले हम सबसे पहले मेथड को देखते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे एक्सरसाइज का जो पहला प्रॉब्लम है ए, ठीक है ना, इसमें आपको पता करना है एच सी एफ ऑफ 16 and 24 का पता करना है। तो पहला मेथड यह है कि 16 लिख करके 16 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो सारे नंबर्स आपको लेने हैं जो 16 को डिवाइड करते हैं। तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है एंड 16 है, यानी कोई भी ऐसा नंबर छूटा नहीं चाहिए जो 16 को डिवाइड करता है, मतलब सारे नंबर्स आपको लेने होंगे। अब यहाँ पे 24 ले लो, तो 24 को डिवाइड करने वाले जितने नंबर्स हैं सब लीजिए। तो यह देखना कि 1 सभी नंबरों को डिवाइड करता है, तो 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, इसके अलावा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 8 ले सकते हो आप, उसके अलावा 12 और 24 ले सकते हो। अब कोई दूसरा फैक्टर नहीं है इसके अलावा। अब आपको ये देखना होगा कि ये जितने नंबर लिखे गए 1, 2, 4, 8, 16, ये 16 के फैक्टर्स हैं। तो ये कभी कभी आपसे कोई पूछ देता है कि भाई ये जो लिखे हुए क्या है, तो ये फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं, 16 के फैक्टर्स हैं। और ये क्या है, ये भी क्या है, फैक्टर्स है बेटा। अब आपको क्या देखना है कि इसमें आपको सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों में आया हुआ हो। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 24 सबसे बड़ा है, तो बट ये कॉमन नहीं हो रहा है। कॉमन का मतलब क्या है, 24 अगर यहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए था, तो 24 तो है ही नहीं। 12 अगर 16 को देखते हो तो 16 इसमें है बट इसमें नहीं है, 16 को बैठा दो, ठीक है। आप कहते हो 12 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 12 को बैठा दो। लेकिन अब देख रहे हो यहाँ 8 जो है दोनों में अवेलेबल है, तो यहाँ पे एच सी एफ ऑफ 16 and 24 is 8। तो यहाँ पे एस सी एफ जो होगा 16 और 24 का वो 8 होगा। चलिए एक प्रॉब्लम और मैं समझा देता हूँ, मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो मैं ले रहा हूँ मेरे पे डी ले रहा हूँ, मैं सारे प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा, मैं कुछ आपको भी ट्राई कर लेंगे। अगर आप 8 ले रहे हो, 20 ले रहे हो और 32 ले रहे हो, तो यहाँ पे 8 के सारे पॉसिबल फैक्टर लिखिए 1, 2, 4, 8। ये जो है केवल इतने ही फैक्टर्स होंगे केवल 8 के, क्लियर। अब यहाँ पे 20 का देखिए, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो और 20 लिख सकते हो। अब आपको देखना होगा कि क्या ऐसा कोई नंबर है क्या कि हमने इतना तो लिख दिया, कोई ऐसा नंबर छूट तो नहीं रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब यहाँ पे 32 को लीजिए आप, तो 32 को लेंगे तो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, क्लियर। ये नंबर जो है आपका 4 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है, 16 से डिविजिबल है एंड 32 से डिविजिबल है। मतलब आपने क्या किया है, 32 को डिवाइड करने वाले जितने नंबर्स हैं आपने यहाँ पे ले लिया है। अब आपको ये देखना है कि वो बड़ा कॉमन फैक्टर जो तीनों में आया हो, क्लियर। अगर मान लो तुम कहते हो 32,
32 तो तीनों में है ही नहीं, हटा दो, ठीक है ना। आप कहते हो 20 तो 20 तीनों में है ही नहीं, इसको भी हटा दो। 16 कहते हो तो 16 भी तीनों में नहीं है। आप कहते हो 10, चलो भैया 10 देख, अगर 10 लेते हो तो 10 तीनों में है ही नहीं, 10 को भी हटा दो। आप कहते हो 8, तो 8 जो है दो में है, इसमें है और इसमें है, बट इसमें नहीं आया है, तो 8 को भी हटा दो। आप कहते हो 5, तो 5 भी तीनों में तो नहीं है, केवल एक, सॉरी एक में तो है बट दोनों में नहीं है, तो इसको भी हटा दो। अब यहाँ देख सकते हो कि 4 जो है इन तीनों में आया हुआ है, तो यहाँ पे जो इनका एस सी एफ होगा, एस सी एफ ऑफ 8, 20 एंड 32, ये क्या होगा, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस 4 लेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने आपको जो है दो प्रॉब्लम्स मैंने आपको मैंने समझा दिया एक्सरसाइज 19 का पहले में से, ठीक है। अब हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप कैसे करोगे, क्लियर। चलो यहाँ पे देखो, फाइंड द एसी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, क्लियर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको करना है इसमें, तो कैसे करोगे यहाँ पे देख लो। तो अब यहाँ पे 45 है एंड 60 है, तो दोनों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, क्लियर, अलग अलग नहीं है। इसको आप पहले क्या करिए, 45 को लीजिए, ठीक है, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, यानी नंबर को जो है हम प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ेंगे, लेकिन सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आप पहले आप 2 से करोगे तो 2 से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, इसको आप 3 से करोगे तो यहाँ पे 50 ले लेंगे। अब ये नंबर जो है तुम्हारा फिर से 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, और ये नंबर 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में। तो हम जो है 45 को कैसे लिखेंगे, 45 को लिखेंगे 3 × 3 × 5, ऐसे आप लिख लीजिए। उसी तरीके से जो है 60 को लेंगे, तो 60 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स में डिवाइड होगा, डिवाइड करोगे तो 15 टाइम्स में। इसको 15 को जो है 2 से तो तुम डिवाइड कर नहीं सकते हो, तो 3 टाइम्स में करो, और ये 5×5। तो यहाँ पे 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 5। आपको ये भी देखना होगा कि जो है कि जब हम इनका मल्टीप्लाई करो तो इसका रिजल्ट इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 × 2 = 4, 3 × 12 = 16, तुमको मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है कि पेयर बनाने हैं, लिंक किसके बनाएंगे, प्राइम नंबरों के। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ आपको जानना भी होगा भाई प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, कि प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर से होता है जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो अपने खुद के नंबर से। तो यहाँ पे 5 का तुम्हारा एक पेयर बन गया, 5 ले लो, ठीक है। यहाँ पे 3 का तुम्हारा एक पेयर बन गया, 3 ले लो, बाकी के पेयर नहीं बनेंगे। तो पेयर जो है ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इनको हम छोड़ देंगे, जिनके कॉमन पेयर बने हैं उन्हीं को आप लेंगे। तो यहाँ पे 3 और 5 का कॉमन पेयर बन रहा है दोनों में, तो यहाँ पे जो एस सी एफ जो होगा, एस सी एफ इज 3 × 5, जो कि क्या होगा 15 आपको मिलेगा, यानी वो 15 बड़ी वैल्यू होगी जो 45 और 60 को डिवाइड कर देंगे। चलिए एक प्रॉब्लम और मैं आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है, और बाकी के प्रॉब्लम्स को यानी क्वेश्चन नंबर 3 तक आप इसको लगा के सेंड करेंगे आप, क्लियर। चलिए एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, मान लो हम ई देखते हैं, सेकेंड का ई जो कि दिया गया है 52 एंड 78। तो 52 को पहले क्या करो, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 से डिवाइड करो तो 26 टाइम्स होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 13 आएगा, और यह नंबर जो है सीधे 13 से डिविजिबल होगा 1 टाइम्स में, क्लियर। तो डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। 78 को आप ले लीजिए, पहले आप 2 से डिवाइड करो तो 2 यहाँ पे हम करेंगे क्या, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 9 = 18। अब ये नंबर 2 से तुम्हारा डिजल होगा नहीं, 3 से करो तो 13 टाइम्स में, अब इसको सीधे 13 से ही डिवाइड कर पाओगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 52 को क्या लिख सकते हैं, 52 को लिखेंगे क्या, 2 × 2 × 13, ये लिख लीजिए, और 78 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 13। अब यहाँ पे अगर हम एस सी एफ निकालने जाएँ तो हमें देखना होगा कि भाई जो
प्राइम फैक्टराइजेशन आप जो कर रहे हो तो वो नंबर लो जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो इसमें कॉमन जो है केवल आपका जो 13 ही आपको दिखाई दे रहा है, बाकी नंबर जो है, अब यहाँ पे देख लो ये भी तो है, तो यहाँ पे दो नंबरों के जो है मतलब पेयर बनने हैं, कॉमन बनने हैं, एक 2 का बनना है और एक 13 का बनना है। तो जिनके बन उनको आप लिखिए 2 और 13, जिसका रिजल्ट आ रहा है 26। तो यहाँ पे जब आप एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ आप 52 और 78, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 26 आएगा, ठीक है। तो अगर आप पिछली वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो उसका प्लेलिस्ट वीडियो के एंड में मिलेगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी जरूर खोलिए, वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, ऊपर आई बटन भी आप देख रहे हो, ठीक है। आप उसे देखोगे ना तो आपको जो भी मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे वो पूरा बेसिक लेवल से आपको मिलेगा आपको। तो एक बार वीडियो को विजिट करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।